यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बात करेंगे अब बलिया के। बलिया में छात्र संघ चुनाव में सपा और एबीवीपी के प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए। श्री मुरली मनोहर टाउन कॉलेज के चौराहे पर दोनों छात्र गुटों के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई, यहां तक कि गोली भी चलाई गई और गोली चलने से चौराहे पर भगदड़ मच गई। इस फायरिंग में एक छात्र की कमर में गोली लगी और दो अन्य छात्र घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां गोली से घायल छात्र को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह, सांसद भरत सिंह और बोरिया विधायक सुरेंद्र सिंह समेत भाजपा और विप के नेता अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और योगी सरकार के गालीबाज एसपी का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है। दरअसल यूपी के अंबेडकर नगर जिले के एसपी ने मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान गाली दी और ये गाली किसी आम आदमी से ही नहीं बल्कि जिले के बीजेपी सांसद के जलालपुर प्रतिनिधि को दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस ऑडियो में जिले की पूरी जनता को नेता और गुंडा तक कह डाला। हालांकि इस मामले पर एसपी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उधर बीजेपी सांसद और सांसद प्रतिनिधि जलालपुर ने एसपी के बयान को गलत बताया है और साथ ही कार्रवाई की मांग भी की है।